एक्टर आशुतोष राणा बाबा महाकाल के दर पहुंचे दर्शन करने और गर्भगृह में बाबा के सामने बैठकर शिव स्तुति का पाठ किया। एक्टर आशुतोष राणा ने बंसल न्यूज पर बातचीत करते हुए कहा कि हमें बाबा महाकाल के गर्भगृह में उनकी स्तुति गाने का सौभाग्य मिला। उज्जैन के वैभव और ऐश्वर्य वो बाबा महाकाल की कृपा से है और महाकाल लोक तो अपने आप में ही दिव्य। जाने माने फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा आज बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचे और विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया है। और आप हमारे साथ इस समय खुद आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपका महाकाल की नगरी में स्वागत है। किस प्रकार आपने पूजन अर्चन किया है और आपकी एक खासियत थी कि बाबा के सामने शिव स्तोत्र गाना, वो हम आपसे सुनना चाहिए। नहीं, वो तो सबने सुना हुआ है, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे गर्भगृह में और वहाँ के जो प्रमुख पुजारी जी थे उन्होंने हमसे कहा कि वो सुनाओ। तो महाकाल जी के सामने उन्हीं की स्तुति जो भावानुवाद हिंदी में था तो वो गाने का सौभाग्य मिला। तो ये परम मैं ये मान के चलता हूँ कि देवाधिदेव महादेव बाबा महाकाल की अनुपम और अनूठी कृपा है और वो अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल आशुतोष जी, पहले आप बाबा महाकाल की नगरी में आते थे, अलग अलग स्वरूप देखने को, बाबा की छवि देखते थे, लेकिन इस बार श्री महाकाल लोक की जो भव्य सौगात मिली उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उज्जैन नगरी के पास, या इसको आप प्राचीन काल में अवंतिका भी कहा जाता था, जो कुछ भी वैभव है, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी आप उसकी कीर्ति और यश पताकर देखते हैं, ये तो साक्षात महाकाल जी की कृपा है। जब वो स्वयं बैठे हैं जहाँ पे भूत भविष्य वर्तमान जब तीनों काल मिल जाते हैं, एक जगह स्थापित हो जाते हैं, उसको महाकाल कहा जाता है। अन्यथा काल की भी विभक्ति है। तो जहाँ पर तीनों कालों का समुच्चय बनकर वो विराजमान हो गए, तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं तो महाकाल लोक तो बनना ही था और वो अपने आप में दिव्य है, अनुपम है। और अभी आधा बना है और जब ये पूरा और बन जाएगा तो निश्चित रूप से ये सबके जितने भी धर्मानुरागी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे आएंगे तो उनके भी सुख और आनंद का विषय होगा, ऐसा मेरा विश्वास। 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो उनका विकास एक अनुपम चरा पे हो गया, जो पहले लुप्त हुआ करते, आप आजकल देवस्थलों की तरफ यूथ ज्यादा जा रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? यूथ को तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आध्यात्म जो है वो हमारे और आपके सबका मूल है। और अच्छा है कि वही वृक्ष बहुत बड़ा होता है जो अपनी जड़ों पे खड़ा होता है, जड़ों से जुड़ा होता है। तो जड़ों की तरफ अगर हम और आप बढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, आनंद का विषय। बिल्कुल। तो ये थे आशुतोष राणा जी, जिन्होंने हमारे साथ साझा किए कुछ अपने सुझाव भी दिए और जिस प्रकार उनकी छवि को जाना जाता है वो एक अलौकिक रहती है, इसीलिए उनका नाम आशुतोष राणा है। वो बड़े संवैधानिक तरीके से धार्मिकता के अनुसार ही वो जवाब देते हैं। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन।